मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी प्रभारी मंत्रियों ने अपने प्रभार वाले जिलों की समीक्षा बैठक ली। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंत्रियों ने जिला कलेक्टर और जिले के अधिकारियों से फीडबैक लिया। इसी कड़ी में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने अपने प्रभार वाले जिले उदयपुर के अधिकारियों से चर्चा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेघवाल ने जिला कलेक्टर सहित जिले के सभी अधिकारियों से बातचीत की। इस दौरान लॉकडाउन 3 लागू होने के बाद की स्थिति को लेकर समीक्षा की गई। साथ ही जिले में पेयजल आपूर्ति, नरेगा संबंधित कार्यों की रणनीति पर भी चर्चा की गई। मेघवाल ने कहा कि उदयपुर में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है, प्रशासन को पर्याप्त इंतजाम करने के निर्देश भी दिए हैं। जिले के अंदर टैंकर लगा जहां पर पानी की व्यवस्था कम है वहां पे टैंकरों के द्वारा पानी पिलाया जा रहा है। इसी तरीके से जिले में नरेगा के काम बहुत शानदार तरीके से चल रहे हैं। 1,35,000 श्रमिक आज की तारीख में नरेगा में लगे हुए हैं और मैंने जिला कलेक्टर को इस बात के निर्देश दिए हैं कि 15 तारीख को जो मस्ट्रोल जारी हो और 16 तारीख से लोग काम पर लगे उस समय तक 2,00,000 व्यक्ति कम से कम 2,00,000 व्यक्ति नरेगा में काम लग जाने चाहिए, क्योंकि आदिवासी इलाका है। सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री ने माननीय सोनिया गांधी जी ने उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर इन जिलों को ही पहले, सबसे पहले 6 जिलों को नरेगा के लिए